नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। नो वन किल्ड जेसिका 2011 की ये बॉलीवुड की बायोग्राफिकल थ्रिलर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एकाएक इस फिल्म का टाइटल फिर से रेलेवेंट हो गई है। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है नो वन डिमोलिश्ड द बाबरी मस्जिद। दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। ये कहा जाता है प्रकट। उसी तरह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विलुप्त हो गई, ना जाने कहां चली गई। हम इस जजमेंट से यही अनुमान लगा सकते हैं 1949 के पहले जो कुछ हुआ वो प्रोलॉग था। एपिलॉग अभी भी लिखा जा रहा है, पता नहीं कितना और आगे हम लोग लिखते रहेंगे। अब वक्त है मिथिक को सत्य मानने का। सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो बहुत पहले से ही ये प्रथा शुरू हो गई है, परंतु सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज जस्टिस एस के यादव के 2300 पेज के जजमेंट के बाद हमको ऐसा लगने लगा है कि काल्पनिक नैरेटिव्स अब हमारे जुडिशियरी में भी रियलिटी बनती जा रही है। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जजमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स या फिर हाइलाइट्स को बताना चाहता हूं। कोर्ट ने कहा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, सीबीआई एस्टैब्लिश नहीं कर पाई कि एक्यूज्ड ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा था। कोर्ट ने कहा सीबीआई ने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स तो सबमिट किए टू शो दैट द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज रिहर्स्ड अर्लियर, परंतु इन क्लिपिंग्स के ओरिजिनल कॉपीज कोर्ट में सबमिट नहीं किए गए। यही आर्गुमेंट जस्टिस यादव ने फोटोग्राफ्स के बारे में रखा कि नेगेटिव्स ऑफ द प्रिंट्स वर नॉट शेयर्ड। वीडियो टेप्स के बारे में भी लगभग ऐसा ही कुछ कहा गया। वीडियो कैसेट्स वे नॉट इन सील्ड एनवेलप्स एंड फुटेज was unclear। सीबीआई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पॉलिटिकल वीआईपीज के खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे उनका सांप्रदायिक तनाव फैलाने में कोई रोल नहीं था, उनके किसी भी एक्शन से रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रति प्रेजुडिस डीपन नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज का जो सेंस ऑफ एलियनेशन है आज जो हमको दिखता है वो ऑटोमेटिकली हो गया, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन होकर रामलला प्रकट हो गए थे। जस्टिस यादव के अनुसार बाबरी मस्जिद को एक मॉब ने डिमोलिश किया था और किसी भी अभियुक्त को इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं था। पहले कोर्ट के टेक्निकल इश्यूज की बात करते हैं। सब जानते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के ओरिजिनल्स जुटाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, रॉकेट साइंस की जरूरत या उसकी नॉलेज नहीं होती है। बट शुड द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल्स हैव बिकम सच अ मेजर इशू फॉर द कोर्ट, इट कुड हैव इजीली समन्ड द राइटर्स ऑफ दीज रिपोर्ट्स or the editors of the newspapers or magazines, they could have been called to the court to depose whether it was true or not। आखिरकार सिर्फ यही तो जानना था ना
कि ये रिपोर्ट्स वाकई लिखे गए थे या सीबीआई ने इसकी कल्पना की थी। इट इज ऑल्सो वेल नोन दैट नेगेटिव्स आर प्राइज्ड पोजीशंस ऑफ द फोटोग्राफर्स, दैट दे गार्ड दीज नेगेटिव्स ऑलमोस्ट लाइक देयर लाइव्स। यही बात वीडियो कैसेट्स की थी। क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग्स इन 1992 सब जानते हैं वर ऑब्वियसली पुअरर देन जो आज हमको देखने को मिलता है। आई वुड से दैट जस्टिस यादव वॉज बीइंग नीडलेसली टेक्निकल एंड मियरली वॉज लुकिंग फॉर अ प्रिटेक्स टू से दैट द सीबीआई हैड बीन रॉन्ग। अगर हम बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशंस वर फ्लॉड एंड शॉडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नाइदर सीबीआई नॉर एनी ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वर वेरी सीरियस अबाउट परस्यूइंग द केसेस एंड एंश्योरिंग दैट द गिल्टी वर ब्रॉट टू द बुक्स। सबसे पहले इस केस की ट्रैजेक्टरी को देखिए। ऑल्दो द डेमोलिशन वॉज अ सिंगल एक्ट, टू FIRs were filed on the same day. FIRs were filed on the 6th of December. The numbers were FIR number 197 and 198. The first was against lakhs of unnamed car sevaks. They were accused of various offences, namely dacoity, robbery, causing hurt, injuring or defiling places of worship and promoting enmity between two communities on grounds of religion. The second FIR was lodged against 8 persons: Lal Krishna Advani, Ashok Singhal, Vinay Katiyar, Uma Bharti, Sadhvi Ritambara, Murli Manohar Joshi, Giriraj Kishore, Vishnu Hari Dalmia. They were all accused of conspiracy to demolish the Babri Masjid. In do FIR ke alawa, 47 aur FIR file hue the for both cognizable and non-cognizable offences. FIR number 197 ko CBI ko handover 13 December 1992 ko kiya gaya tha. FIR number 198 क्राइम ब्रांच CID यूपी पुलिस के पास रहा और बाद में इसको भी CBI को 26 अगस्त 1993 को ट्रांसफर किया गया। CBI ने कंबाइंड चार्जशीट 4 अक्टूबर 1993 को फाइल किया। इसके बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट 10 जनवरी 1996 को फाइल हुआ। इससे पहले यानी कि जो चार्जशीट फाइल होने के पहले 9 सितंबर 1993 को स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया और स्पेशल कोर्ट गठित किया। वर्डिंग में ऑल केसेस लिखने के बावजूद सरकारी नोटिफिकेशन के शेड्यूल ऑफ केसेस में सिर्फ 197 नंबर का FIR मेंशन हुआ। इसी ओवरसाइट की वजह से या इसके बाद से ये केस बाद में लीगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इसका फायदा BJP विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जैसे ही मौका मिला तो उसका फायदा लिया। ट्रायल कोर्ट ललितपुर, रायबरेली और लखनऊ के बीच शिफ्ट होती रही। ओरिजिनली 49 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था, उनमें से 17 की मृत्यु हो गई और अब बाकी जो 32 थे उन सबको एक्विट कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस की हियरिंग बहुत इरेगुलरली होती थी। कारण सिंपल था, कोई ना कोई एक्यूज्ड अपीयर नहीं होता था और फिर से एडजर्न हो जाता था कोर्ट। तारीख पे तारीख पे तारीख। आप सब ने सनी देओल का ये डायलॉग तो सुना ही होगा हिंदी फिल्म में। वही किस्सा
यहां भी था अनफॉर्चुनेटली। सितंबर 2003 में रायबरेली के ट्रायल कोर्ट ने अडवाणी को रिलीफ दिया और उनको कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस से एक्विट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आदेश देकर अडवाणी के खिलाफ इन चार्जेस को रिस्टोर किया। दिसंबर 1992 से नरसिम्हा राव की सरकार ने क्रिमिनल केस के परस्यूट के साथ साथ एक जुडिशियल कमीशन भी गठित की थी। जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहान उस समय पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट के परमानेंट मेंबर थे। हिंदुस्तान के इतिहास में जस्टिस लिबरहान कमीशन वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कमीशंस ऑफ इंक्वायरी। लिबरहान कमीशन को 48 बार एक्सटेंशन दिए गए। रिपोर्ट फाइनली यूपीए की सरकार को 2009 में सबमिट की गई। सिग्निफिकेंटली जस्टिस लिबरहान का जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी था उसके फाइंडिंग्स सीबीआई कोर्ट के वर्डिक्ट से टोटली ऑपोजिट हैं। जस्टिस लिबरहान ने साफ लिखा था, इट कैनॉट बी एज्यूम इवन फॉर अ मोमेंट दैट वाजपेयी अडवाणी एंड जोशी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द डिजाइन्स। जस्टिस यादव के जजमेंट को आउटलुक पत्रिका को एक इंटरव्यू में जस्टिस लिबरहान ने अभी वेरी रिसेंटली कहा है कि इट वॉज एन अटर फार्स। आगे जस्टिस लिबरहान बोले हैं कि द कोर्ट्स कंक्लूजन दैट द डेमोलिशन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी इज कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू द फाइंडिंग्स ऑफ माई कमीशन। जस्टिस लिबरहान ने 68 व्यक्तियों को दोषी घोषित किया था। उनमें से प्रोमिनेंट थे लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, कल्याण सिंह और विनय कटियार। 4 दिवंगत नेता भी उनके लिस्ट ऑफ गिल्टी पर्संस में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, बाल ठाकरे, अशोक सिंगल और लालजी टंडन। दे वर ऑल डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ प्रमोटिंग कम्युनल डिस्कॉर्ड। जस्टिस यादव ने जिन टेक्निकल इश्यूज का उल्लेख किया था उसके बारे में जस्टिस लिबरहान ने आउटलुक पत्रिका को कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। देयर वॉज कंक्लूसिव एविडेंस टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी बाय द बीजेपी लीडर्स ऑफ द टाइम एंड देयर कॉम्प्लिसिटी इन द डेमोलिशन। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स वर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट एविडेंस। In the commission report, you will find numerous other evidences. I do not know if the trial court had taken any of that into the account before reaching the verdict, or if even the CBI had even bothered to present it during the proceedings. CBI court ka nirnay kyon itna controversial? सबको लग रहा है। सबसे पहले 19th of April 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ट्रायल कोर्ट को डे टू डे हियरिंग कंडक्ट करने को डायरेक्ट किया था। साथ ही ये कहा था कि केस को बिल्कुल शुरुआत से सुनवाई नहीं की जाएगी और जब तक ट्रायल और जजमेंट नहीं आएगा जज को परिवर्तित या चेंज नहीं किया जाएगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस पीसी घोष और आर एफ नरीमन ने अपने जजमेंट में लिखा, इन द प्रेजेंट केस क्राइम्स विच शेक द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव एलिजिटली बीन कमिटेड ऑलमोस्ट 25 इयर्स अगो। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस ने आगे अपने जजमेंट में लिखा, द अक्यूज्ड पर्संस हैव नॉट बीन ब्रॉट टू बुक लार्जली बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द सीबीआई
in not pursuing the prosecution of the aforesaid alleged offenders in a joint trial, and because of the technical defects which were easily curable, for which they were not cured by the state government. Operational phrase samajh lijiye. Crimes which shake the secular fabric of the Constitution of India. Justices P.C. Ghosh और R.F. Nariman के अनुसार बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन कोई आम अपराध नहीं था, बहुत सीरियस ऑफेंस था। उसका जजमेंट और उसकी केस के हियरिंग में कोई डिले नहीं होना चाहिए था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या सिविल सूट में जजमेंट आया था, हिंदू पार्टियों के पक्ष में वो जजमेंट गया था, लेकिन उन्हीं 5 जजेस ने अपने जजमेंट में यूनानिमसली लिखा था, The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and an assurance given to this court. The destruction of the mosque and the obliteration of an Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Supreme Court ke in do judgments ke anusar, the demolition of the Babri Masjid was not just the destruction of a religious structure, but a direct assault on the constitution and the very idea of India. इस आर्गुमेंट का खंडन करने के लिए मैं उस वक्त पर नजर डालूंगा जब संघ परिवार अयोध्या सिविल सूट केस में एक पार्टी बन गई थी। बात जो है जुलाई 1989 की है। देवकी नंदन अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट थे। वे पहले भूतपूर्व हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, जुडिशरी के प्रोसेसेस को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने लोकल फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी रामलला विराजमान के बिहाफ में। वो अपने आप को नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड कहकर उन्होंने वो पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले साल के जजमेंट में लिखा था, अग्रवाल unambiguously sought an injunction against the interference in the construction of a new temple after the demolition of the existing building. मतलब जुलाई 1989 में विश्व हिंदू परिषद के एक वाइस प्रेसिडेंट एक कोर्ट को बोलते हैं और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना है। फिर भी सीबीआई स्पेशल जज बोलते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं आया है। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का इरादा हमेशा से था, सबको दिखाई दिया, सिर्फ जस्टिस यादव को नहीं। क्या कानून का अंधापन अब न्यू इंडिया की नई रीत होगी? ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया में अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही न्यूज क्लिक के सारे कार्यक्रमों को इसी तरह से शेयर और लाइक करिए। नमस्कार।